परीक्षा नहीं हुई लेकिन आज नहीं तो कल होगी। ये कोरोना महामारी आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगी। स्कूल कॉलेजेस कभी ना खुलें, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इस समय स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। इसी को देखते हुए से मुंबई के एक स्कूल में हमारे पुराणों में लिखित एक कहानी सुनाई गई और विद्यार्थियों को इस कहानी के जरिए एक मैसेज दिया गया, एक सलाह दी गई। कहानी ये थी कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप फसलों को नहीं उगा पाएंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रता पूर्वक विनती की। किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चलाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यहाँ तक कि बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कुछ किसानों ने उससे पूछा भी कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 साल बाद मैं फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रतिक्रिया को भूल जाऊंगा। शरीर की काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ कि जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की ये बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने भी चिंतित होकर शिव जी से कहा, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव भी चिंतित हो गए, इसलिए कहीं वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए इसकी जांच करने की सोची और अपना डमरू उठाकर बजाने की कोशिश करने लगे। कोशिश करते हुए जैसे ही डमरू से आवाज आई वैसी बारिश होने लगी और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया। लेकिन बाकी सभी बारिश का इंतजार करते किसानों को पछतावा हुआ क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना भी छोड़ दिया था। इसी तरह 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, कोरोना महामारी भी खत्म हो जाएगी। इसे घूरने या इस महामारी के खत्म होने तक का इंतजार करने से बेहतर है कि आप जिस कक्षा में हैं या जिस अगली कक्षा में जाने वाले हैं उसका अध्ययन करें, पुस्तकों का अध्ययन करके अपने कौशल को तेज करें, आपके पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाएं, इस समय का इस्तेमाल करें और ये सोचें कि आप और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है, इसलिए अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही गुणवत्ता का सार है, अभ्यास ही है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही छोड़कर अभ्यास करते रहेंगे तो जब काम करने का समय आएगा, जब भी परीक्षा देने का समय आएगा, तो आप हर चुनौती और अपने हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। घर पर ही रहने की कोशिश करें ताकि आप भी और अन्य भी सुरक्षित रहें और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।